लगातार तो बाढ़ से फंसे हुए। 25 दिन हमको बाढ़ इलाके में आज हो गया। दोनों सरकार बाढ़ के सवाल पर चुप्पी क्यों? कोरोना वायरस के सवाल पर चुप्पी क्यों? यह सबसे महत्वपूर्ण है कि इन लोगों को घर में बैठे एसी रूम में आखिर कौन कौन से काम करते हैं कि इन लोगों को पॉजिटिव हो जाता है? मास्क पहनते ही हैं, हाथ धोते ही हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री क्वारंटाइन क्यों? लॉ मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, उद्योग मंत्री, कर्नाटक का सीएम, आरसीपीसी से लेकर सब नीतीश कुमार के घर में 18, बीजेपी ऑफिस में 176। आप गायब भी है जनता के बीच से 5 महीना में, आप निकले भी नहीं। आप दिल्ली में पर्चा बांटे लेकिन बिहार के मजदूरों को एक बिस्कुट नहीं पहुंचाया। आखिर ये बीजेपी गठबंधन ही और नेता ही क्यों? क्या राज है इसके पीछे? पप्पू यादव 4.5 महीने से सड़कों पर है, हमें तो कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। हम 40 लाख लोगों से मिल चुके हैं अभी तक। और इतनी बड़ी त्रासदी बाढ़ की एक भी केंद्रीय टीम भारत सरकार ने नहीं भेजी। अभी तक बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया गया, 4 महीने के राशन की बात नहीं की गई, 20,000 रुपया अकाउंट में बात नहीं किया। विधानसभा खोली, चित भी मेरी पट भी मेरी, सत्ता पक्ष और विपक्ष का तालमेल और ढालमेल बाढ़ और कोरोना वायरस के मुद्दा ही खत्म कर दिए। और सुशांत सिंह जी के लाश पर राजनीति का एक बिल्कुल विचित्र नाटक हो गया, एक बड़ा नाटक। अरे नीतीश बाबू, आप पूरी मंत्रिमंडल और विपक्ष पूरे एमएलए लेकर के नदी के भीतर पन्नी में बिना कलेक्टर और बिना पदाधिकारी और बिना लामकाप के जाइए और डेंगी में जाके 3 रात रहिए। जाइए उस पन्नी के नीचे बिना चापाकल, बिना मेडिकल सिस्टम, बिना नाव, ये सड़कों पर या बांध पे जाके रहिए जहां राशन नहीं है।